गाइस, मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप जो मेरे पीछे स्टोर देख रहे हो, ये काफी बड़ा इंडियन स्टोर है, यानी कि इंडियन ओनर है इस स्टोर के और इंडियन सारी ग्रोसरीज मिलती हैं यहाँ इस स्टोर में। ये US का सबसे बड़ा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। तो ये शिकागो में है, मैं शिकागो आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक वीडियो बना ली जाए। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अमेरिका में आलू प्याज और बाकी सारी सब्जियां इंडियन स्टोर में कितने की मिलती है और एक महीने का राशन अमेरिका में कितने का मिलता है। अगर आप अमेरिका में इंडियन खाना खाते हो, इंडियन खाना खाना पसंद करते हो, तो एक महीने का राशन कितने का मिलता है और आलू प्याज टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं अमेरिका में। तो चलिए इस स्टोर के अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाती हूँ ये कितना बड़ा स्टोर है, कैसा है और कितने की चीजें मिलती है। खीरा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दो खीरे की कीमत यहाँ अमेरिका में $1 है और $1 को आप समझ लीजिए 73-74 रुपीस के अराउंड बनता है और ये एक नींबू 10 रुपए का है। चलिए मैं बाकी सारे चीज़ों का रेट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाती हूँ। और यहाँ पे हर चीज़ का वेट पाउंड में किया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में हम केजी में तोलते हैं सब्जियाँ या फल, पर यहाँ पर सब कुछ पाउंड में तोला जाता है। तो आपको जो भी रेट स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब कुछ पाउंड पे है। और अगर मैं केजी को पाउंड में बताऊं तो एक केजी 2.2 पाउंड्स बनता है, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो सब कुछ। तो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को रेट दिखाती जाती हूँ और एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अमेरिका में एक महीने का राशन कितने का आता है, कितने में आप लोगों को एक महीने का खर्चा खाने पीने का निकल जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिलेगा कि यहाँ अमेरिका में सब्जियाँ फल ये सब चीज़ें कितने की मिलती हैं और अगर आप अमेरिका आते हो तो यहाँ खाने में कितना खर्चा हो जाएगा आपका एक महीने में। और ये देखिए फ्रेंच बीन्स और बैंगन यहाँ $2 में आपको आधा केजी मिलता है अमेरिका में। तो गाइस थोड़ी महंगी हैं यहाँ सब्जियाँ, स्पेशली जो इंडियन सब्जियाँ हैं। ये देखिए चिंडोरा यानी कि कुंदरी यहाँ $2 का एक पाउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी कुछ कॉमन सब्जियाँ दिखाती हूँ मैं कि यहाँ अमेरिका में कितने की मिलती है। मेरे पीछे कद्दू मिल रहा है, कद्दू $1.50 का एक पाउंड है, आप देख सकते हो $1.50 का ये कद्दू एक पाउंड है। शिमला मिर्च देखती हूँ, तो ये रहा शिमला मिर्च और ये शिमला मिर्च $2 का एक पाउंड मिलता है। तो मेरे पीछे अदरक आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अदरक मिल रहा है $2 का एक LB, यानी कि 150 रुपए का 450 ग्राम अदरक मिलता है यहाँ अमेरिका में। और ये रहा लहसुन, लहसुन $3 का एक LB, तो काफ़ी महंगा है अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया से। तो ये इतने सारे लहसुन रखे हुए हैं और पीछे टमाटर, जो हमारे इंडिया में टमाटर हम यूज़ करते हैं, ये टमाटर है $1 का एक LB। तो अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 74 रुपीज़ का 450 ग्राम टमाटर होता है। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पत्ता गोभी आप देख रहे हो कितने फ्रेश रखे हुए हैं, क्योंकि ये स्टोर काफ़ी बड़ा है। आपको दिख सकता है 59 सेंट्स का एक LB है ये पत्ता गोभी। हरी मिर्च यहाँ 150 रुपए में 450 ग्राम मिलती है। और ये रही भिंडी यहाँ अमेरिका में बहुत महंगी मिलती है दोस्तों, 220 रुपए में सिर्फ और सिर्फ 450 ग्राम।
और ये सामने रहा नारियल जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं जनरली, तो ये 125 रुपए का एक मिल रहा है। और अगर मैं कोकोनट वाटर यानी कि जो डाब पीते हैं उसकी बात करूं तो ये काफ़ी महंगा है, $3 का एक मिल रहा है, यानी कि 220 रुपए अप्रॉक्सीमेटली बन जाते हैं एक डाब के। बीटरूट का जूस पीना ही चाहिए दोस्तों, इसीलिए बीटरूट ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। और ये रहा भुट्टा यानी कि मकई, यहाँ अमेरिका में 74 रुपीस के ये दो भुट्टे मिलते हैं। सो प्याज आप देख सकते हो, प्याज यहाँ अमेरिका में $2 का 2 LB मिल रहा है ये प्याज, रेड अनियन जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और इधर देखिए आलू, तो ये रेड आलू है, आप देख सकते हैं रेड आलू। तो ये आलू $3 का पूरा बैग है जो आप देख रहे हो, इस पूरे प्लास्टिक में जितने आलू हैं ये $3 के हैं। ये रहा सफ़ेद आलू और ये भी $3 का है अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा बैग। $1.29 का ये पपीता है, एक पाउंड तो रख लेती हूँ कार्ट में, ये इतना सब सामान अभी तक लिया है मैंने। तो गाइज ये स्टोर काफ़ी बड़ा है, यहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगी खाने की, यानी कि मिठाई से लेके नमकीन, बिस्किट्स, समोसे, केक, पेस्ट्री, चावल, दाल, सब्जियाँ, फल, जो भी चीज़ें आपको घर में चाहिए होती हैं वो हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी खाने की। और हर एक चीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको, तो आपके पास काफ़ी वैरायटी होती है अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो। सब कुछ यहाँ मिलता है दोस्तों, इतना बड़ा स्टोर है ये अमेरिका में, इंडियन स्टोर इतना बड़ा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा स्टोर है यहाँ का। आप देख सकते हो कितने ऑप्शंस है और कितने लोग आए हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हो बासमती राइस के ये सारे बड़े बड़े पैकेट्स हैं, ये मिल रहा है $17 का 20 LB, आप देख सकते हो। इस स्टोर में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट, वेस्ट, सारे इंडियन के लिए हर प्रकार की चीज़ें मिलेगी सबको। ये देखिए आप कलकत्ता पान, ये सब कुछ मिलेगा, बहुत फ्रेश है दोस्तों। इस स्टोर में मैगी भी मिलती है, ऑफकोर्स मिलेगी, इतना बड़ा स्टोर है। आप देख सकते हो इतना बड़ा पैकेट $3.50 का मिल रहा है मैगी का। मैं नहीं खाती तो मुझे नहीं चाहिए। गाइस तुअर दाल ले रही हूँ मैं, आप देख सकते हो $4.50 का, 4 pounds का ये पैकेट है, ये रख लेती हूँ इस कार्ट के अंदर। ये चना दाल $5 का 4 LB का पैकेट है, तो $5 का 4 LB। मूंग दाल आप देख सकते हो ये है $6 का, ये है 4 LB यानी कि 4 pounds $6 का, $6 का ये 4 LB का पैकेट है राजमा का। चलिए चाय पत्ती लेते हैं, चाय आप सबको पता मैं कितना पीती हूँ, ताजमहल टी लेने वाली हूँ मैं। और ये है $5 का, 450 ग्राम, $5। और ये रहे बर्तन, जैसे मैंने बताया ये स्टोर काफ़ी बड़ा है और इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में यहाँ अमेरिका में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली जो हम इंडियन घरों में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे पूजा का सारा सामान मिल रहा है, छोटे छोटे लोटे हैं या दिया है या फिर और भी जो भी चीज़ें पूजा में यूज़ होती हैं सब कुछ आपको मिलेगा इस स्टोर में। और साथ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए खाना बनाने के लिए, चकला, बेलन, कुकर, ये सब कुछ मिलेगा इस स्टोर में। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इस स्टोर में जो भी लोग काम कर रहे हैं या तो बिलिंग काउंटर या स्टोर के अंदर, वो सब के सब इंडियंस हैं। तो अच्छी बात है कि स्टोर में जो नौकरी करते हैं लोग वो सारे के सारे इंडियंस हैं और इंडियंस को ही जॉब दी जाती है इस स्टोर में। सो गाइस मेरी शॉपिंग हो गई, मैंने ग्रोसरीज ले लिए, काफ़ी सारा लिया है क्योंकि शिकागो में ये स्टोर है और इतना बड़ा इंडियन स्टोर कहीं भी नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतना बड़ा नहीं है और ये थोड़ा होलसेल स्टोर है, तो काफ़ी सारा सामान ले लिया मैंने।
आप देख सकते हो जो बिल बना है ये $111 का बिल बना है, आप देखिए। तो अगर मैं एक महीने के राशन की बात करूं तो अमेरिका में आपको एक महीने का राशन $300 से $400 के बीच में एक बंदे का आ जाता है। चाहे आप जो मर्जी खाओ, घर में खा रहे हो, घर में खुद बना के खा रहे हो, बस अगर राशन यानी कि बाहर से सामान ला के घर में बना रहे हो तो बड़े आराम से $300 से $400 में आप सब कुछ खा सकते हो। ये मैं लग्जरी में बता रही हूँ सब कुछ। अगर आप थोड़ा कम भी खर्चा करना चाहो इसमें तो आप कम भी खर्चा कर सकते हो, पर अगर मैं बोलूँ कि आप जो मर्जी खाना चाहो वो खाओ तो $300 से $400 बहुत है एक बंदे के लिए। तो अगर मैं $400 को लूँ तो आप हिसाब लगा सकते हो 30,000 के अराउंड आता है एक महीने का खर्चा राशन में एक बंदे का। चलिए अब ये सारे सामान को गाड़ी में रखती हूँ और आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर आप सब कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता ये रही, तो वहां जाके भी मुझे फॉलो कर ले और आप वहां पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइज, ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।